नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं एक तरीका बताता हूं, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन है, अब इसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो नीचे भी आपको देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, इसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टेक्नोलॉजी और अपना सीएसएस रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, और वहाँ पर आप किसी कस्टमर को ले जाके सामान अगर बिचवाते हैं उस शॉपकीपर का, तो वो शॉपकीपर क्या करता है, आपको कमीशन देता है कि हाँ आपका इतना परसेंटेज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीका है। अगर मान लीजिए आप अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसका आप एफिलिएट पार्टनर बनते हैं तो वो आपको कमीशन देता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप जो अमेज़ॉन की जो ये एसोसिएट वेबसाइट है उस पर आपको हर प्रोडक्ट के लिए एक लिंक्स मिलता है, उस लिंक को आपको सिंपल क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो कहीं भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपके पास फेसबुक पे 4-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं और आपने वो लिंक्स वहाँ पर शेयर कर दिया, तो अगर मान लीजिए उस लिंक के थ्रू अगर कोई ख़रीदारी करता है, ठीक है, तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो कितना कमीशन मिलता है ये भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, तो सिंपल फ्रेंड्स मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि यदि मान लीजिए जिसे अमेज़ॉन है, ठीक है, तो अमेज़ॉन का देखिए यहाँ पर ये अमेज़ॉन का एसोसिएट, यहाँ पे अमेज़ॉन एसोसिएट यहाँ पे वेबसाइट खुला हुआ है। आप सिंपल गूगल में यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफिलिएट, ठीक है, एफिलिएट अमेज़ॉन, ठीक है। जैसे ही आप एफिलिएट अमेज़ॉन यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट खुल जाती है एफिलिएट पार्टनर बनने के लिए अमेज़ॉन का। यहाँ पर इसको फ्रेंड्स ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, तो सिंपल फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फ्रेंड्स इसके बाद भी फिर भी कोई आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप बेशक कमेंट में आप लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल लिखिए वहाँ पर राइट करके। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक ईमेल डाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए डू यू हैव एन अमेज़न पासवर्ड, तो आप एक न्यू कस्टमर हैं अभी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइन इन यूजिंग अवर सर्वर पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो अकाउंट यहाँ पर बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं ये तो मैं फेक बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राजेश, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ईमेल को और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमें कितने स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 1 स्टेप, 2nd स्टेप एंड 3rd स्टेप, 4th स्टेप, तो हमें 4th स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे यहाँ पर इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाई नेम है, यहाँ पर एड्रेस है, तो यहाँ पर एड्रेस आपको सिंपल फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन हु इज़ द मेन कॉन्टेक्ट ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द पाई लिस्टेड एबव समवन एल्स, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट किया है द पाई लिस्टेड एबव और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर US टैक्स पर्पज, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है इंटर योर वेबसाइट, ठीक है,
और इंटरव्यू और मोबाइल यूआरएल। तो आप यहाँ पर सिंपल आप क्या करिए, अपनी वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर ली है। चलिए मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जो कि मैंने बनाया है, अभी इस पर वर्क चल रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉगर ब्लॉगर वेबसाइट है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इसमें, या फिर आपका यूट्यूब का चैनल है तो उसका यूआरएल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, तो जो भी है आपके पास यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने दो स्टेप यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप पर हैं, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे व्हाट इज योर प्रिफर एसोसिएट आईडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने राजेश के नाम से बनाया था तो यहाँ पे राजेश यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका वेबसाइट जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम डाल लीजिए। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट, ठीक है। तो किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप टाइप यहाँ पे डाल लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कोई टेक वेबसाइट है या फिर गेमिंग की वेबसाइट है, तो जो भी आपकी वेबसाइट है यहाँ पर आप डाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट में डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी सोशल नेटवर्किंग साइट में यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट, तो आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह का आप यहाँ पर उस पर एड्स लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का लगा दीजिए, मूवी का लगा दीजिए, ठीक है। जो भी आपको इसमें से चॉइस है आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। बुक्स लगा दीजिए, क्लॉथिंग लगा दीजिए, अगर चाहे तो आप सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया है व्हाट टाइप आर यू वेबसाइट ऑन मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ कंटेंट ऑफ निच वेबसाइट, ठीक है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक मोनेटाइजेशन है, तो यहाँ पर यहाँ पे डाल सकते हैं पेड सर्च, अगर आप पेड सर्च आप चाहते हैं तो, ठीक है। और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल यहाँ पे नेटवर्क, फिर यहाँ पे देखिए फिर ऑप्शन आया है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ई बे डाल सकते हैं या डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी चॉइस है। उसके बाद हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक, ठीक है। तो HTML कोड में आपको लिंक बिल्ड करना है या फिर आपको मैन्युअली टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं HTML में यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर डू यू वेबसाइट, तो लगभग आपके पास कितने विजिटर्स आते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 52.5 लाख, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न, ठीक है, ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे दिया है टू मोनेटाइज माय वेबसाइट, मैं अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, ये आपको कैसे पता चला, यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑनलाइन सर्च, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 3.8 mm 5। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना डिटेल्स आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो देखिए लास्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रैट राजेश, ठीक है। आपको यहाँ पे एसोसिएट आईडी यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे इंटरव्यू पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर पाई नेम यहाँ पे डालना है, देखिए यहाँ पर आपको पैन नंबर, ठीक है, सबसे पहले आपको पैन नंबर डालना है। और यहाँ पे आपका किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल यहाँ पे डाल लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंक नेम पूछा रहा जा रहा है, यहाँ पर अकाउंट नेम, ठीक है, बैंक अकाउंट नेम रीटाइप करने को बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं योर पेमेंट मेथड पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पे माई NEFT, ठीक है। तो आपको NEFT के माध्यम से आपको पैसे पे किए जाएंगे डायरेक्ट आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक नेम यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डाल लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर डाल लीजिए, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए
जब क्लोज हो जाता है तो आपको सिंपल यहाँ से लॉग इन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पे अब आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना है इसको आई एम रिटर्निंग कस्टमर एंड माई पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल पहले अपना यहाँ पे यूज़र आईडी यानी कि आपने जो ईमेल दिया था वो आप ईमेल यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन यूजिंग आवर सर्वर, तो यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो यहाँ पर अर्निंग बता रहा है अर्निंग ओवरव्यू, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ का। तो फ्रेंड्स अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये वर्क, तो अभी मुझे ज़्यादा इससे अर्निंग नहीं हो रही है, फ्यूचर में अगर होती है तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझको 3 ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 230 बार क्लिक हो चुका है जो कि मैंने एड्स लगाए थे, और यहाँ पे टोटल अर्निंग 352.17 की अर्निंग हुई है और एक ही आइटम अभी शिप हुआ है। और तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कन्वर्जन 1.30 यहाँ पे बता रहा है, तो इस तरह से इसको आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसी सर्विस आपको मिल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर सिस्टम यह है कि जब आपके अकाउंट में 1000 रुपये हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ में वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये नहीं है कि आप 4 दिन किए उसके बाद सोचे कि अरे यार कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इस तरह से समय लग जाता है। ठीक है, इससे अर्निंग करने में तो फ्रेंड्स इतना आसान नहीं होता ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, तो आपको काफ़ी पेशेंस, काफ़ी धैर्य रखना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैसे लिंक जनरेट करना है, कैसे शेयर करना है, मैं इतना आज बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं जब ट्यूटोरियल अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बनाऊंगा तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे चलिए मान लेते हैं यहाँ पे वीवो का कोई अगर मोबाइल अगर आपको चाहिए। ठीक है, आपको एड्स लगाना है मान लीजिए आपके फेसबुक पेज पर, तो यहाँ पर मैं वीवो टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वीवो की बहुत सारे हैंडसेट्स देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। देखिए वीवो V5, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे गेट लिंक है। तो आपको अगर मान लीजिए अगर आपके पास वेबसाइट है तो गेट लिंक पर क्लिक करिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है फ्रेंड्स तो सिंपल आप यहाँ पर ये जो डाउन एरो है यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे शॉर्ट एन URL विद Amazon, ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। और चलिए मैं अपने Facebook पर कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Facebook पे मैं Facebook पेज को मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने Facebook पेज को मैंने ओपन कर लिया, और फ्रेंड्स देखिए इसको यहाँ पर पोस्ट पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैंने अपने पोस्ट पर इसको पेस्ट किया, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ही समय में आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये खुल के आ चुका है, और सिंपल यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो लगभग 3000 के ऊपर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ये सभी को ये पोस्टर सिंपल पहले तो जाएगा, अगर कोई शेयर करता है तो और आगे बढ़ता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये अपलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर खुल चुका हुआ है। और इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, शेयर पोस्ट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे देखिए ये दिस हैज़ बीन शेयर्ड, तो इस पेज पर अगर कोई क्लिक करता है और जा करके इस मोबाइल को अगर ख़रीद लेता है तो आपको इस पर कमीशन मिलता है। अभी कितना कमीशन मिलता है अभी मैंने नहीं बताया, अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल अगर कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट अमेज़न पर जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल वही प्रोडक्ट खुलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कितने का है, 17,400 रुपये का, डिलीवरी डिटेल्स आप यहाँ पर सब कुछ इसका सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, सभी डिटेल्स तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है। और फ्रेंड्स इस पे कमीशन कितना मिलता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस सामान के लिए कितना आपको कमीशन मिलता है इस पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है किंडल ई बुक्स के लिए आपको 10% मिलता है कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4% है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है फ्रेंड्स उस पर कम मिलता है। देखिए आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है तो उस पर 4% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% यहाँ पे है अदर अपैरल शूज़, अगर आप जूता अगर कोई बेचते हैं या फिर कोई बुक बेचते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए 10% मिलता है। तो इस तरह से आपको आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कमीशन का इसमें सिस्टम है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट जब मैं ट्यूटोरियल्स और इसके बारे में मैं आपको बना के दूंगा, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक नया और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, तब तक उसका वेट करिए आप। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेरीज है कि वेबसाइट पे कैसे यूज़ करना है और भी, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट पे कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इस लिंक को, इस एफिलिएट लिंक को वेबसाइट पे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बेशक आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।